नमो अरिहंताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो ऐरियाणम्। ॐ नमो वज्जा नमो कारो सौह पाव पणासनो मंगलानं च सौवेसिं पढ़मं हवई मंगलं। पंडित दौलतराम कृत छहढाला जैन समाज का सर्वाधिक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। कवि ने अपनी विशिष्ट काव्य कला के द्वारा इसमें जैन अध्यात्म के गंभीर रहस्यों को भरकर मानो गागर में सागर भर दिया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती है। भ्रमण की है बहु कथा पै कछु कहूं कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक इंद्रिय तन धार। एक श्वास में अठ दश बार जन्यो मर्यो भर्यो दुख भार। लिख से भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रसतनी। लट पिपील अलि आदि शरीर धर धर मरो सही बहु पीर। आप भयो बलहीन सबल निकर खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास।
मद बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर श्वभ्र सागर में पर्यो तहां भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं पिसो तहां राध श्रोणित वाहिनी भूमि कुल कलित देह दाहिनी समान लोह गली जाय ऐसी शीत उष्णता थाय तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाय तोपण एक न बूंद लहाय तीन लोक को नाज जुखाय मिटे न भूख कणान लहाय ये दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लहे जननी उदर वस्यो नव मास अंग सकुच ते पायो त्रास नित सत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और बालपने में ज्ञान न लहो तरुण समय तरुणी रत रहो अर्थव मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रीक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सहो जो विमान वासी हूँ थाय सम्यग दर्शन बिन दुख पाय कहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे कहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे कहते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करें।